हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ का चैप्टर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ के क्वेश्चन आंसर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दैट हेल्थ इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इलनेस. लुक एट दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स. कि इस चैप्टर में हमने जो है हेल्थ जो है स्वास्थ्य जो है उसको हमने इलनेस जो कॉन्सेप्ट है उससे वाइडर माना है. इलनेस का मतलब होता है बीमारी, डिजीज़, यानी उससे एक बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है. इस कोटेशन को अगर हम देखें, इस वाक्य को अगर हम देखें, तो अगर संविधान के तर्क से अगर हम इसको देखते हैं तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है यानी जीवन स्तर जो है और एक पब्लिक हेल्थ जो है लोगों की जो स्वास्थ्य है, या हम ये कहें कि सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य है, उसको हम अपने शब्दों में किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. ये पॉइंट जो है हमें इन्वॉल्व करना है अपने आंसर में. सो लिविंग स्टैंडर्ड means the level of living of people at which they live. यानी living standard का मतलब है, जीवन स्तर का मतलब है कि एक ऐसा स्तर जिस स्तर पे किसी एक particular क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने जीवन को जी रहे हैं. If they live in hygienic condition, अगर वो साफ़ सुथरी स्थिति में हैं, enjoying all the comforts of life और अपने जीवन के सभी आनंदों को अनुभव कर रहे हैं, तो it means their living standard is high. तो ये समझ में आता है कि उनके जीवन का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विरोध में अगर हम बात करें, इफ़ दे आर बाउंडेड टू लिव इन अ फिल्थी सराउंडिंग्स, लेकिन अगर हम ये कहें कि उनकी जो सराउंडिंग्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं हैं, एंड ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, और गंदा पानी उनको पीने के लिए मिल रहा है, एंड ईट हम कहें कि अनहाइजीनिक फूड जो है वो खा रहे हैं, इट मीन्स दे लीड अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. यानी अगर उनके जीवन स्तर को हम देखें तो अगर उनकी लाइफ कंफर्टेबल नहीं है, जो नेसेसरी हम ये कहें कि जो नेसेसिटी हमारे लाइफ की होती हैं, जैसे कि फूड है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ड्रिंकिंग वाटर है, एजुकेशन है, अगर ये सब चीज़ें किसी को नहीं मिल रही हैं, तो इट मीन्स वी हैव टू बी से दैट कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही दयनीय स्थिति है. पब्लिक हेल्थ जो है, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है, इट रिफर्स टू द हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक. यानी जो सामान्य जनता है उसके स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो वी विल कॉल इट पब्लिक हेल्थ. तो इसका मतलब होता है कि जब हम एक देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वो कहलाएगी पब्लिक हेल्थ. क्वेश्चन नंबर टू इसमें आता है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट वे थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल. डिस्कस कि ऐसे कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनको सरकार अगर उठाती है तो वो जो हम ये कहें कि प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल, सबको जो है वो स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवा सकती हैं, तो कैसे इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है. फर्स्ट है इसमें आपका, द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल बाय, कि कोई भी सरकार जो है वो इन स्टेप्स को उठाकर सभी को स्वास्थ्य की सेवाएँ मुहैया करवा सकते हैं. फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपका आता है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, कि अगर हम हॉस्पिटल्स की संख्या को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एंड फैमिली वेलफेयर जो सेंटर्स हैं उनको, उनका जो नंबर है अगर हम उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल दैट वी हैव टू बी प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल. सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैंप्स फॉर चेकिंग अप ऑफ जनरल पब्लिक, यानी सामान्य जनता के लिए फ्री कैंप जो है उनको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए ताकि उनको चेक किया जा सके कि उनको कोई प्रॉब्लम, उनको कोई बीमारी नहीं है, या कोई भी जो डिज़ीज़ हो सकती है, इन्फेक्शस डिज़ीज़ हो सकती है, या कोई और डिज़ीज़ हो सकती है, तो फ्री चेकअप के थ्रू जो है हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम फ्री चेकअप नहीं करेंगे तो जो पुअर पीपल्स हैं दे आर नॉट कैपेबल टू बी मूव टू द हॉस्पिटल्स एंड दे हैव टू बी रेक्टिफाई देयर डिजीज. So it is necessary for the government that they have to be organizing a free camp for the general publics.
थर्ड अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग पल्स पोलियो कैंप्स जो कि हमारे देश में कंटिन्यूसली लगते हैं, तो जो पल्स पोलियो कैंप है वो भी कंटिन्यूसली होने चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों को जो कि अपकमिंग चिल्ड्रंस होते हैं तो उनको ये टीका मिल सके। फिर है ऑपरेटिंग स्प्रेडिंग, इसमें है आपका फोर्थ वन द स्प्रेडिंग हेल्थ अवेयरनेस अमंग कॉमन पीपल थ्रू डिफरेंट means workshops, seminars and training camps can also prove to be effective ways कि अगर हम आम जनता के बीच में spread out कर पा रहे हैं awareness, यानी उन लोगों को हम जागरूक कर पा रहे हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, जैसे कि लोगों को हम हेल्थ के बारे में जब तक नहीं समझाएंगे दैट हाउ कुड बी हेल्थ इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ पीपल फॉर लिविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो उनको पता नहीं चलेगा। तो हमें वो चीज़ किस तरह से एक्सप्लेन करनी है, वर्कशॉप के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, ट्रेनिंग कैंप्स के थ्रू, तो ये एक इफ़ेक्टिव वे से अगर हम इसको रन करते हैं तो जो पुअर पीपल्स हैं दैट दे शुड बी अवेयर रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड दे रियली टेक बेनिफिट्स फ्रॉम इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आता है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया, यूज़ द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, कि आपके जो एरिया है, आपका जो क्षेत्र है उसमें सरकारी और जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं या हर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनमें आपने क्या डिफरेंस पाया है, तो वो आपको इस टेबल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर टेबल ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है, इन्हीं के बेस में हमें वो डिफरेंसेस निकालने हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में इन्होंने हमें दिया है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पर मिल रही हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या मिल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में क्या मिल रहा है। तो फिर इन्होंने दिया है कि कॉस्ट ऑफ सर्विस, कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है, सरकारी में करा रहे हैं तो उसकी क्या है। फिर अगर हम बात करें तो वहाँ पे किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं हैं और सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज होती है वो बहुत ही हाई होती है, या फिर हम कहें कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती हैं। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो जैसे कि रंजन के केस में हमने लिया था, तो रंजन के केस में क्या हुआ था कि उसके पेरेंट ने रिसेप्शन काउंटर पे ही 500 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए थे, यानी डॉक्टर को दिखाने के चार्जेस ही क्या थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो इट इज़ नॉट ईजी और नॉट कैपेबल फॉर द पुअर पीपल्स दैट दे हैव टू बी अफोर्ड सच टाइप ऑफ फीस ऑफ द डॉक्टर, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट डॉक्टर है लेकिन वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं और वहाँ हम उनको क्या कर रहे हैं, अलग से पेमेंट कर रहे हैं, उनको फीस हम दे रहे हैं दिखाने की। नेक्स्ट इसमें आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, कि किस तरह की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल बट ऑन हाई कॉस्ट, सब कुछ अवेलेबल है लेकिन कीमत क्या है, बहुत ऊंची है। अब हम बात करते हैं सरकारी हॉस्पिटल की, पब्लिक हॉस्पिटल्स की, आइदर फ्री, बिल्कुल फ्री हो सकता है वहाँ पे, और एट वेरी लो कॉस्ट, कि या बहुत ही कम कीमत लगती है डॉक्टर को दिखाने के जो चार्जेस होते हैं वो। फिर इसमें आता है आपका कि वहाँ पे सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं, देर इज़ ऑलवेज रश एट द पब्लिक हॉस्पिटल, कि हम देखें तो पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पे हमेशा क्या होती है, भीड़ होती है। इवन थ्रो दो सर्विसेज आर अवेलेबल देयर बट बी टेक्स टाइम, कि जो भी सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल हैं लेकिन उन सर्विसेज में अगर आप उन सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, दैट हैज़ टू बी पैनिक हो सकता है और आपको काफ़ी टाइम वहाँ पे कंज्यूम करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, कि अगर हम वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है और अगर सैनिटेशन है, शौचालय जो है, अगर उनकी कंडीशंस को हम सुधारते हैं तो ये कई सारे डिजीज़ को कंट्रोल करता है, कई सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। तो किस तरह से ये कंट्रोल करता है, ये हमें एग्जांपल्स के थ्रू, उदाहरण के थ्रू जो है यहाँ पे आंसर में समझाने हैं। तो आंसर इसका हम लिखते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन आर द बेसिक नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अवर हेल्थ, कि हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बेसिक जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उसमें हम कहें कि वाटर और सैनिटेशन दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर हमने गंदा पानी हम ले रहे हैं, कॉजेज अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, तो उससे कई सारी स्वास्थ्य की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। सिमिलरली पुअर सैनिटेशन कॉजेज मैनी एपिडेमिक,
गिविंग बर्थ टू डेंजरस इंसेक्ट्स एंड वॉर्म। और इसी तरीके से हम कहें कि अगर सैनिटेशन सिस्टम अगर आपका ख़राब है, पुअर हम कह सकते हैं, तो इससे एपिडेमिक जो होता है, एपिडेमिक हम कहते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं उनको, गिविंग बर्थ टू डेंजरस इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे डेंजरस जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो जन्म लेते हैं, या हम कहें कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है वो हमारे एरिया में मूव अप कर सकती है। रिसेंटली वी सॉ द स्प्रेड ऑफ डेंगू कॉज्ड बाय द एकेडिक मॉस्किटो। मलेरिया इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द मॉस्किटो कॉल्ड द एनोफिल्स। इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल दीज हैपनिंग्स। तो अगर हम देखें कि मॉस्किटोज़ के थ्रू भी बहुत सारे डिजीज़ जो है वो फैलाई जाती हैं, स्प्रेड आउट की जाती हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, जस्ट लाइक वी हैव टू बी कॉल्ड द मलेरिया एंड द डेंगू, बोथ आर द इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड हैज़ टू बी स्प्रेड आउट द विद द मॉस्किटोज़। और ये मॉस्किटोज़ कहाँ डेवलप होते हैं? बैड सैनिटेशन होगा या वाटर फैसिलिटीज़ जहाँ पे पुअर होंगी। तो अगर ये दोनों ही फैसिलिटीज़, ये दोनों ही हम ये कहें कि बेसिक जो नेसेसिटी है हमारे लाइफ की, अगर ये दोनों ही की कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं तो काफ़ी हद तक हम डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और ख़ास तौर से उन डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि एपिडेमिक हैं, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया। देर विल बी ओनली 4 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट नाउ। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड इट। थैंक